यूपी के आगरा से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बीते रविवार एक ओर जहां पूरा देश दिवाली का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी ओर नीच मानसिकता के कुछ पुरुष जिन्हें पुरुष कहने में भी शर्म आए, वो यूपी के आगरा के होटल होमस्टे में एक महिला को नोच रहे थे। महिला चीखती रही, छोड़ देने की मिन्नतें मांगती रही, बच्चों की दुहाई भी दी, लेकिन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। इस घटना का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। घटना के सामने आने के बाद से पूरे देश में इसे लेकर आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आगरा में एक होटल में काम करने वाली एक लड़की के साथ कई लोगों ने यौन शोषण किया। वीडियो वायरल हुई तो इस खौफनाक घटना पर एक्शन हुआ। वीडियो दिल दहला देने वाली है। कैसे वो लड़की मदद की भीख मांग रही है और दरिंदे उसे घसीट रहे हैं। दीपावली के दिन ये वीडियो देख मन सहम गया। इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं आगरा में हुई इस घटना को लेकर पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। एसीपी सदर अर्चना सिंह ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। कल थाना ताजगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि बसई चौकी क्षेत्र के रिच होम स्टे में एक महिला के साथ दुष्कर्म व मारपीट की घटना हुई है। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़िता की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म, मारपीट व अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना में शामिल पांच अभियुक्त जिसमें चार पुरुष व एक महिला है को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी हां, पुलिस ने एक महिला सहित पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपितों में जितेंद्र राठौड़, रवि राठौड़, मनीष कुमार और देव किशोर शामिल है। जिस महिला के साथ गैंगरेप हुआ वो पिछले 1.5 साल से होमस्टे में नौकरी कर रही है। आरोपी जितेंद्र उसका परिचित है जिसने पहले उसका धोखे से एक अश्लील वीडियो बना लिया। उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय से युवती का उत्पीड़न करता रहा। युवती का आरोप है कि उससे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे खूब वसूले हैं। उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर शनिवार रात भी उसके साथ गलत हरकत की गई। उसे जबरन शराब पिलाई गई, फिर उसके साथ युवकों ने गलत काम किया। युवती उसी होटल की कर्मचारी भी बताई जा रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में उसके सहकर्मी होने का दावा किया गया है। वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें महिला रो रो कर अपना हाल बयां कर रही है। वीडियो में जो देखा गया उसके मुताबिक आरोपित महिला को लेकर अंदर जाते हैं, वो चिल्लाती रहती है। कुछ सेकंड में ही वहां सिक्योरिटी गार्ड आता है, दरवाजा खुलवाता है। दरवाजा खुलते ही पीड़िता बाहर आती है और रोते हुए अपना हाल बयां करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।